नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आज हम इस वीडियो में सीखेंगे कि जो वन आर की कैंडल है टेक्निकल एनालिसिस में और कैंडलस्टिक में, उसको यूज करके हम कैसे अपना डिसीजन मेकिंग या तो एनालिसिस का जो पावर है वो बढ़ा सकते हैं। दूसरा, वन आर की कैंडल यूज करके कैसे हम प्रोबेबिलिटी और अपने प्रॉफिट के चांसेस बढ़ा सकते हैं। तो ये वीडियो में हम क्या सीखेंगे उसका मैंने एक एजेंडा तैयार किया है, मैं आपको बता दूं। सबसे पहले तो कि भाई ये हम वन आवर कैंडल का एनालिसिस कर ही क्यों रहे, क्यों इतनी इंपॉर्टेंट है। दूसरा, क्या वन आवर की कैंडल को हम ट्रेडिंग के लिए यूज कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा कि वन आवर की कैंडल कैसे हमें स्टॉक स्टॉक का या तो इंडेक्स का ट्रेंड क्या चल रहा है, शॉर्ट टर्म ट्रेंड, वो कैसे बता सकती है। दूसरा, प्राइस रिजेक्शन वन आवर की कैंडल में से कैसे पता चलता है। फिर माउस ट्रैप कैसे पता कर सकते हैं, कहीं पे प्राइस फंस जाती है तो वन आर की कैंडल वहां पे हमको कैसे हेल्प कर सकती है। और कई बार चार्ट में कुछ मेजर ऐसी पैटर्न बनती है वन आर की वजह से, तो वो एरियाज को, वो जोन को कैसे हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। इतना हम स्टडी करने वाले हैं। देखो, मुझे बहुत क्वेरीज आती है कि सर आप अपने एनालिसिस में वन आर की कैंडल क्यों यूज कर रहे हो। तो मैंने ये वीडियो उन लोगों के लिए बनाया है कि जिनके पास शायद बेसिक नॉलेज भी नहीं है काफी सारी चीजों का, तो हम बेसिक से लेके आगे तक जाएंगे। आप लोग पेशेंस रखना और अच्छी तरह से इस वीडियो को देखना और समझने की ट्राई करना। देखो, सबसे पहला क्वेश्चन का मैं आंसर दे देता हूँ कि वन आर की कैंडल इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है। सबसे पहले तो ये अपने को पता होना चाहिए, बाद में ही हम आगे का सीखेंगे। तो उसका आंसर क्या है, देखो, मार्केट 9:15 को शुरू होता है, तो फर्स्ट कैंडल जो वन आर की होती है 9:15 टू 10:15 तक का डेटा लेके आती है। तो जब हम ट्रेडिंग करते हैं, चलो इंट्राडे कर रहे हो, ऑप्शन ऑप्शन में इंट्राडे कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, प्रॉब्लम क्या होता है कि मार्केट का जो फर्स्ट घंटा होता है ना, उसमें बहुत वोलाटिलिटी होती है, क्योंकि वो एसजेक निफ्टी को थोड़ा फॉलो करता है, थोड़ा ग्लोबल मार्केट को फॉलो करता है, फिर क्या होता है ओवरनाइट कोई न्यूज आती होती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि पहला आधा घंटा टू 1 घंटा काफी सारी वोलाटिलिटी होती है। इसकी वजह से मुझे कोई मेजर एनालिसिस करना हो, मेजर ट्रेंड एनालिसिस करना हो, तो मैं प्रीफर करूंगा कि मार्केट को थोड़ा शांत होने दो। इसलिए मैं वन आवर के कैंडल में मेरे जजमेंट कॉल में और एनालिसिस में यूज करता हूँ, और काफी सारे ट्रेडर इस तरीके से यूज करते हैं ताकि हमको समझ में आए कि मार्केट हो क्या रहा है। दूसरा दूसरा एक रीजन बता देता हूँ, 9:15 को मार्केट ओपन होता है, 10:15 को मार्केट में हमारी कैंडल आ जाती है। तो होता क्या है कि ये जो 1 घंटे की जो इंफॉर्मेशन हमें मिली ना, जिसमें बाइंग सेलिंग हुआ, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है फर्स्ट आवर में। कई बार वो पूरे दिन का एक ट्रेंड सेट करता है, कई बार वो आने वाले वीक का भी कई बार एक ट्रेंड सेट कर देता है। वन आवर की कैंडल इतनी इंपॉर्टेंट होती है। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं अगर वन आवर की कैंडल मेरे जजमेंट कॉल में या तो एनालिसिस में यूज कर रहा हूँ तो मैं 15 मिनट का टाइम फ्रेम मतलब बिल्कुल बकवास ही है। ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ। देखो, ट्रेडिंग वन आवर की कैंडल के भी किया जा सकता है, ट्रेडिंग 15 मिनट पे भी किया जा सकता है। मेरी काफ़ी सारी स्ट्रेटेजीज में जो खुद यूज़ करता हूँ वो 15 मिनट पे डिपेंड है। पर जब मैं कोई स्टॉक एनालिसिस करता हूँ, इंडेक्स का ट्रेंड एनालिसिस करता हूँ, मुझे एक जजमेंट कॉल चाहिए, तो एनालिसिस के लिए भी मैं वन आवर का कैंडल यूज़ कर लेता हूँ। और कई बार जैसे कि मैं निफ्टी ट्रेड करता हूँ कि बैंक निफ्टी ट्रेड करता हूँ, तो कई बार जो मेजर ब्रेकआउट वगैरह होते हैं वो 15 मिनट में पता नहीं चलते, तो मैं चुपके से 15 मिनट का चार्ट होता है वो क्या करता हूँ, स्विच ऑन कर देता हूँ। कि जैसे मैं 15 मिनट को अगर ट्रेडिंग के लिए यूज करता हूँ, ठीक है, अब उसमें मुझे पता नहीं चल रहा है कि भाई क्या हो रहा है, तो मैं क्या करता हूँ 15 मिनट में से वन आवर के चार्ट में थोड़ा स्विच हो जाता हूँ। तो इससे मुझे क्या पता चलता है, काफी सारा नॉइज खत्म हो जाता है और मेजर मेजर उसके सपोर्ट रेजिस्टेंस जोन है वो मुझे पता चल जाता है। तो सबसे पहले मैंने आप लोगों को आंसर दे दिया कि भैया वन आर की कैंडल है क्यों यूज करें, उसके पीछे का लॉजिक क्या है, वो सब मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब जाते हैं दूसरे हमारे क्वेश्चन में जो हमारा एजेंट आया था कि कैन इट बी यूज फॉर ट्रेडिंग। देखो, काफी लोग मुझे ऐसा बोलते हैं कि सर इंट्राडे में 10 मिनट यूज करें, 15 मिनट यूज करें, 30 मिनट यूज करें, वन आर यूज करें। तो उसका एक आंसर दे देता हूँ मैं आपको। देखो, यहाँ पे मैं एक स्टॉक ओपन करता हूँ जैसे कि डीमार्ट, ठीक है। डीमार्ट में अगर मैं ट्रेड करना चाहता हूँ तो मैं कोई बैक टेस्टिंग करूंगा, राइट। हो सकता है वो बैक टेस्टिंग में 15 मिनट वाली कोई कैंडल है वो अच्छी तरह से वर्क करती है, समझ रहे हो। फिर फॉर एग्जाम्पल मैं रिलायंस को टेस्ट करता हूँ, तो रिलायंस में शायद 30 मिनट वाली कैंडल अच्छी तरह से वर्क करती हो,
तो जो लोगों का क्वेश्चन है कि सर इंट्राडे में कौन सी कैंडल यूज की जाए, तो मैं उसका आंसर देगा डिपेंड ऑन स्टॉक। ऐसा कोई मैजिक फॉर्मूला नहीं है या तो हार्डकोर फॉर्मूला नहीं है कि आपको 10 मिनट की ही कैंडल यूज करनी, डिपेंड ऑन द स्टॉक, डिपेंड कि कहां पे प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। बट समझ लो, एक अच्छा एग्जांपल मैं आपको देता हूं कि जैसे कि मैंने डीमार्ट को एनालाइज किया और मुझे उसमें अच्छी एक स्ट्रेटेजी मिल गई कि चलो 15 मिनट की सेकंड कैंडल यूज करो, उसमें अच्छे प्रॉफिट के चांसेस हैं। तो इसका मतलब मैं ये नहीं करूंगा, मैं मेरे अगर मुझे एक लॉन्ग टर्म या तो शॉर्ट टर्म एनालिसिस करना हो ना कि डिमांड का ट्रेंड क्या चल रहा है, क्या हो रहा है ये स्टॉक में, तो उसको समझने के लिए मैं फिर भी 1 आवर का कैंडल तो यूज करूंगा ही। और कई बार मेजर मेजर ब्रेकआउट या तो सपोर्ट रेजिस्टेंस 1 आवर के कैंडल पे मैं करूंगा ट्रेड। तो डेली बेसिस पे ट्रेड करने के लिए 15 मिनट, और अच्छी तरह से जजमेंट डिसीजन लेने के लिए, मिस्टेक अवॉइड करने के लिए मैं थोड़ा सा 1 आवर का भी चार्ट यूज कर लूंगा। और कई कई बार मैं ट्रेड भी कर सकता हूँ कि मेजर पे ब्रेकआउट हुआ है तो डिमांड में 1 आवर के कैंडल पे भी मैं ट्रेड कर लूंगा। तो मैंने ये आंसर दे दिया कि भाई क्या इसको ट्रेडिंग में यूज कर सकते हैं, कर सकते हैं, काफी सारे केसेस में कर सकते हैं। और ज्यादातर निफ्टी और बैंक निफ्टी में अगर आप ऑप्शन ट्रेड करते हो टेक्निकल एनालिसिस फॉलो करके या तो फ्यूचर में, तो काफी सारी बार आप 1 आवर का कैंडल यूज कर सकते हो। मेजर ब्रेकआउट बहुत हेल्प करता है जब 1 आवर का कैंडल के वजह से। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं कि 1 आवर की कैंडल हमको कैसे हेल्प करती है कोई भी स्टॉक का ट्रेंड चेक करने के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि मुझे इस पे बहुत क्वेश्चन आते हैं। देखो, सबसे पहले मैंने यहाँ पे क्या किया हुआ है, डीमार्ट का स्टॉक लिया है, डीमार्ट का हमारे पास स्टॉक ऑलरेडी है और उसमें 1 आवर का कैंडल का चार्ट मैंने प्लॉट कर दिया है। ठीक है, अब अगर मैं आपको ये चार्ट दिखा रहा हूं और अभी ये चार्ट आप देख रहे हो तो मुझे क्या पता चलता है कि शॉर्ट टर्म में क्या कर रहा है ये चार्ट, या चार्ट अप जा रहा है 1 आवर की सभी कैंडल, मुझे कोई इसमें मेजर वीकनेस नहीं दिख रही है, यस और नो? तो मैं अगर इंट्राडे ट्रेडर हूं, एक स्विंग ट्रेडर हूं, मुझे शॉर्ट टर्म ट्रेंड जानना हो, शॉर्ट टर्म ट्रेंड, तो मैं 1 आवर का चार्ट कोई भी स्टॉक का यूज करूंगा ना तो मुझे फटाक से बहुत क्विकली कुछ ही सेकंड्स में पता चल जाएगा कि शॉर्ट टर्म में ये क्या ट्रेंड चल रहा है। ये 1 आवर के कैंडल से बहुत ईजी होता है। फिर थोड़ा इसमें पीछे जाते हैं, ठीक है, तो कंसोलिडेशन हुआ था, फिर से अप ट्रेंड था, यहाँ पे देखो एक चैनल बनाई थी, मैं बोल रहा था ना कि चैनल्स या तो जोन, तो ये सब जोन होते हैं, ठीक है, जो कंसोलिडेट किया ना वो, फिर ये जोन को जैसे ही तोड़ा ना तो ऊपर चलाने लगा। देखो मैं आपको समझाता हूँ, मैं ये समझाने की ट्राई कर रहा हूँ, मेजर जोन्स फ्रॉम द 1 आवर कैंडल। देखो तो ये हमको पता चलते हैं 1 आवर के कैंडल के हिसाब से। फिर अगर मैं इंट्राडे कर रहा हूँ और ये एक चैनल है जो एक जोन बना वो टूटता है तो मुझे पता चल जाता है कि यहाँ से अभी बाइंग में जा सकता हूँ। तो ये 1 आवर की कैंडल का जजमेंट मैं इंट्राडे स्विंग ट्रेडिंग कहीं पे भी लगा सकता हूँ। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? ओके, अब बात करते हैं, चलो इंडसइंड बैंक को एक ले लेते हैं। ठीक है, इंडसइंड बैंक में मैंने 1 आवर का चार्ट प्लॉट किया। अब आपको क्या लग रहा है, इंडसइंड बैंक में तो लग ही रहा है कि भाई ये तो डाउन ट्रेंड है और यहाँ से भी कुछ खास अप ट्रेंड नहीं लग रहा है। देखो, इसको हम अप ट्रेंड तो नहीं बोल सकते, जैसा डीमार्ट में था ऐसा तो नहीं लग रहा है। तो जैसे ही मेरे सामने चार्ट ओपन होता है 1 आवर का, मुझे पता चल जाता है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। ये बहुत बड़ी खूबी है, स्पेशली आप लोग अगर नए हो टेक्निकल एनालिसिस में, प्राइस एक्शन है, तो ये मैं समझा रहा हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फटाक से जान सकते हो कि व्हाट इज हैपनिंग इन द मार्केट। फिर रिलायंस ले लेते हैं कि उसमें अपने को क्या दिख रहा है। देखो, रिलायंस में क्या दिख रहा है, इंडसइंड जैसा तो बिल्कुल नहीं है, उल्टा अच्छी तरह से ये ऊपर जा रहा है। समझ रहे हो आप? और दूसरा देखो, यहाँ पे एक चैनल बनी थी, मैं उसको चैनल बोलता हूँ, जोन बोलता हूँ, कोई कुछ भी बोल रहा है, फिर वो चैनल जैसे ही ब्रेक हुई तो ऊपर की तरफ चला गया। तो ये भी मुझे ब्रेकआउट में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होती है, इसको समझना कि वहां से मैं स्विंग ट्रेडिंग कर रहा हूँ, इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहा हूँ, तो बहुत अच्छी मूवमेंट आ सकती है, मैं पहले से जान सकता हूँ ये स्टॉक में क्या हो रहा है। समझ रहे हो? एक और स्टॉक देख लेते हैं ताकि थोड़ा और कंफर्मेशन हो जाए, जैसे कि L&T। अब L&T में क्या हुआ, एकदम वियर्ड चार्ट है। देखो, कोई मुझे पूछेगा तो मैं बोलूंगा कि अभी शॉर्ट टर्म में यह अप जा रहा है, क्योंकि देखो ये डाउन जा रहा था, फिर क्या हुआ, यहाँ पे एक चैनल बन गई, फिर अभी अचानक से हाई मारा उसने। ठीक है, तो अब देखते हैं आने वाली कैंडल कैसी फॉर्म हो। तो कंपेयर टू रिलायंस, कंपेयर टू डीमार्ट, यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजिंग निकल रहा है मेरे को, इससे अच्छा मैं रिलायंस डीमार्ट में ट्रेड कर लूँ या तो इंडसइंड बैंक जो नीचे जा रहा है उसमें मैं ट्रेड कर लूँ। तो ये होता है कि कहाँ पे आपको कंफ्यूजन लग रहा है, कहाँ पे आप श्योर हो रहे हो, ये सब 1 आवर के कैंडल से अपने को ज्यादा पता चलता है। ठीक है, अब देख लेते हैं बहुत अच्छी चीज,
प्राइस रिजेक्शन। देखो जो लोग बैंक निफ्टी निफ्टी की मेरी सीरीज फॉलो कर रहे हैं उसमें मैंने बताया था कि प्राइस रिजेक्शन क्या होता है। कई बार स्टॉक या तो इंडेक्स ऊपर जाना चाहता है पर वहां से उसको हैवीली सेलिंग मिलता था, सप्लाई मिल जाता है, तो वो बेचारा नीचे, इससे तो ऊपर हम जाने नहीं दे सकते। तो हमको जब शॉर्ट करना होता है, हमको जब पुट बाय करना होता है, हमको स्टॉक का अच्छी तरह से ट्रेंड चेक करना होता है, तो प्राइस रिजेक्शन बहुत अच्छा फैक्टर होता है। जैसे कि यहाँ पे बैंक निफ्टी ने रिसेंटली एक हाई मारा था 36,300 का, 36,317 का, फिर वो नीचे गया, फिर यहाँ फिर से हाई मारने की ट्राई किया, 36,261 का हाई मारा, 36,261 का हाई मारा, ठीक है, और फिर से यहाँ पे हाई मारने की कोशिश की 36,248। अब देखो सिर्फ 40-50 पॉइंट का डिफरेंस ये तीनों लेवल में, यहाँ पे रिजेक्ट मारा, यहाँ पे रिजेक्ट मारा, यहाँ पे रिजेक्ट मारा। मैं वन आवर में क्या फॉलो करता हूँ, अगर मुझे तीन बार प्राइस रिजेक्शन मिलता है ना, उसके बाद मतलब वीकनेस दिखाई देता है, शॉर्ट कर सकते हैं, एग्रेसिवली पुट बाय कर सकते हैं, जो भी करना आप कर सकते हैं। देखो कैसे वो ऊपर जाया, फिर वो नीचे आया, यहाँ से फिर से बाई गई, फिर से ऊपर जाने की ट्राई की, फिर से सेम लेवल पे नीचे आया, फिर से ऊपर जाने की ट्राई की, और अब तो वो सीधा नीचे चला गया। तो इसको बोलते हैं प्राइस रिजेक्शन। ये सब चीजें ना आपको 15 मिनट के चार्ट में, 30 मिनट के चार्ट में ये सब चीजें आपको नहीं दिखाई देने वाली है। इन सभी चीजों के लिए, इसका यूज करने के लिए आपको यूज करना पड़ेगा वन आवर चार्ट, और वन आवर चार्ट के बेस पे जब मेजर ये सब डिसीजन आते हैं प्राइस रिजेक्शन सपोर्ट के, तो उसके बेस पे हम अच्छी तरह से ट्रेड भी कर सकते हैं। किसने मना किया कि हम नहीं कर सकते? मैंने जो निफ्टी और बैंक निफ्टी की सीरीज में हर रोज पोस्ट कर रहा हूँ उसमें यही सब सिखा रहा हूँ। मेरा काम बिल्कुल ऐसा नहीं है कि स्पेकुलेशन करो, प्रिडिक्शन करो, मैंने बोला है कि आपके पास स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, पर चार्ट की ब्यूटी के लिए मैं सब आप लोगों को ये समझा रहा हूँ, ठीक है। एक और बात याद दिला दूं, जैसे कि निफ्टी, तो निफ्टी में क्या हुआ, अभी एक और चीज यहाँ पे मिली, निफ्टी ने यहाँ पे हाई कितना मारा था, 16,701, मैं लिख लेता हूँ 16,701, ठीक है। फिर उसने यहाँ पे हाई मारने की ट्राई की 16,712। तो मैंने बोला था कि मुझे एक प्राइस रिजेक्शन मिला, दूसरा मिला, अब मैं तीसरे की वेट करूंगा, कि क्या तीसरा प्राइस रिजेक्शन मिलके वो फिर से नीचे आता है, तो अब मैं वेट करूंगा। तो यहाँ पे वर्क इन प्रोग्रेस है, आपका होमवर्क है कि आप इसको स्टडी करो कि क्या हो रहा है। अगर उसको ये क्रॉस कर जाता है तो एक नया एक सपोर्ट जोन लागू होगा, नया एक ट्रेंड एस्टेब्लिश होगा, वरना फिर से वो नीचे आएगा टेम्पररी बेस के लिए। तो ये होता है प्राइस रिजेक्शन, समझ रहे हो आप? ओके, अब हम स्टडी करते हैं कि माउस ट्रैप क्या होता है। मैंने एक स्ट्रेटेजी बनाई थी मेरे लिए, जो मैंने आपको यूट्यूब में भी डाली हुई थी, कि माउस ट्रैप इसका मतलब क्या, कि जैसे कि मल्टीपल कैंडल, देखो एक 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 घंटे वाली कैंडल है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 घंटे तक, मतलब वो पूरे दिन एक ही जोन में रहा, तो उसको बोलता हूँ मैं माउस ट्रैप, मतलब वहां पे प्राइस ट्रैप हो गई। उसके बाद कोई मेजर ट्रेंड आ सकता है, तो देखो उसके बाद मेजर ट्रेंड क्या आया, कि फिर से यहाँ से सपोर्ट मारा और उससे ऊपर चला गया। माउस ट्रैप मतलब कुछ हो रहा है कि वहां से प्राइस ना तो ऊपर जा रही है, वहां से ना तो प्राइस नीचे जा रही है, कुछ तो लो जाए। तो ऐसे आपको माउस ट्रैप काफी सारी जगह पे, काफी सारे स्टॉक्स में आपको मिल सकते हैं। देखो जैसे कई बार क्या होता है कि जैसे इस तरीके का भी छोटी छोटी कैंडल माउस ट्रैप, उसके बाद सीधा ऊपर, ऐसा बहुत होगा। अब स्पेशली मैं माउस ट्रैप के लिए वन आर की कैंडल ज्यादा यूज करता हूँ, ताकि उसमें वन आर की कैंडल होती है ना, उसमें जो इवेंट होते हैं मुझे अच्छी तरह से देखने को मिले। अगर कोई एक अगर मुझे सामने आ जाती है तो मैं आपको और एक बता देता हूँ, ताकि थोड़ा और आपको क्लियर हो जाए। देखो यहाँ पे भी 5-5, 6-6 घंटे तक ऐसी कैंडल बनी रहना, मतलब अलर्ट हो जाओ, बड़ी मूवमेंट आने वाली है, समझ रहे हो? तो वन आवर में मैं इस तरीके भी एनालिसिस कर सकता हूँ। दूसरा कि मेजर जोन्स, तो उसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल मैं आपको दे देता हूँ। देखो ये निफ्टी ने क्या किया था, रिसेंटली हाई मारा, उसके बाद एक चैनल में फंस गया है, यहाँ पे एक जोन में, जैसे ही वो जोन से क्लियर हुआ, देखो ये वाला, तो सीधा वो ऊपर गया। तो वन आवर में जब ये प्राइस कंसोलिडेट करती है, एक रेंज में फंस जाती है, तो हमें पता चल जाता है कि ये रेंज जब भी तोड़ेगी तब तो बहुत बड़ी मूवमेंट आएगी। तो ऑप्शन ट्रेडिंग करते हो उसमें अच्छी स्ट्रेटेजी अपना के बहुत बड़ी मूवमेंट में प्रीमियम आप कमा सकते हो। स्विंग ट्रेडिंग में भी आप, ये स्टॉक में अगर ऐसी पैटर्न दिख रही है तो उसमें भी आप अच्छी तरह से पैसा कमा सकते हो, किसी ने ना नहीं बोला है कि आप नहीं कमा सकते, राइट। और
मेजर, अगर आप इंट्राडे में भी एक बड़ी मूवमेंट हासिल करना चाहते हो तो सब में हो सकता है। ऐसी ऐसी मूवमेंट आपको काफी सारे स्टॉक में दिख जाएगी, ऐसी मूवमेंट आपको काफी सारी जगह पे आपको देखने को मिल जाएगी। वो एक स्टॉक लेते हैं, शायद उसमें अपने को कुछ देखने को मिल जाए, जैसे इंडसइंड बैंक ले लेते हैं, तो क्या उसमें ऐसी पैटर्न देखने को मिली थी? देखो इंडसइंड काफी सारा उसने ऊपर नीचे किया हुआ है। देखो यहाँ पे जो डाउन ट्रेंड चल रहा था उसके बाद क्या हुआ, उसने कंसोलिडेशन करने का ट्राई किया, पर जैसे ही वो रेंज टूटी तो सीधा मूवमेंट अपने को दे दिया टेम्पररी, काफी सारा अच्छा मूवमेंट। तो ये होता है कि अपने को एक जोन दिखाई देता है, यहाँ काफी टाइम तक उसने कुछ नहीं दिया पर बाद में तो उसने बहुत अच्छा रिटर्न दे दिया। देखो यहाँ पे भी कैसा जा रहा था, देखा ये पूरा, ये जो पार्ट आप देख रहे हो ना, कैसा पूरा नहीं दिख रहा है, ऐसा दिख रहा है कि नहीं? तो जैसे ही ये चैनल तोड़ता है, जैसे ही जैसे कि ये वाला ले लो आप, तो एक अच्छी मूवमेंट वो दे देता है अपने को इंट्राडे में, स्विंग ट्रेडिंग में बहुत अच्छी मूवमेंट कुछ घंटों के लिए दे देता है, तो उसका आराम से हम फायदा उठा सकते हैं। तो ये सब जोन्स, ये सब जो प्राइस चैनल्स बनती है ना, उसका भी बहुत अच्छी तरह से हम फायदा ले सकते हैं। देखो यहाँ पे आपको नहीं दिख रही, एक जोन चल रहा है अच्छा बहुत, ठीक है ना? और यहाँ पे ये देखो कि कितना वीकनेस हुआ होगा, कि यहाँ पे जो मल्टीपल सपोर्ट लिया उसने, ये जोन टूटा तो कैसे वो नीचे गया, समझ रहे हो? तो ये सभी चीजें हमको दिखाई देती है कोई भी स्टॉक में, कोई भी इंडेक्स में, जहां पे हम 1 आवर की कैंडल में बहुत अच्छी तरह से ट्रेड कर सकते हैं सपोर्ट रेजिस्टेंस जोन में, या तो ऊपर नीचे जाके। एक और मैं चीज आपको बता देता हूँ, जैसे कि काफी लोग बैंक निफ्टी वगैरह में ट्रेड कर रहे हो, देखो बैंक निफ्टी में भी हाई मार के एक जोन बना लिया था, ऊपर की तरफ एक जोन बना लिया और नीचे ये 34,835 एक जोन बना लिया था। जैसे ही वो जोन में से टूटता है तो अच्छा एक ट्रेंड देखने को मिल सकता है। देखो यहाँ पे भी ऐसा हुआ था, यहाँ पे भी ऐसा हुआ था, काफी सारी जगह पे। फिर इस तरीके की प्राइस चैनल्स बनती है। देखो मैं ज्यादा ट्रेंड लाइन, ज्यादा इंडिकेटर्स इसलिए यूज नहीं करता, क्योंकि जितना सिंपल रहता है ना उतना एनालिसिस स्टडी करने में मजा आती है। जैसे ही ये इस तरीके की चैनल ब्रेक हुई तो मूवमेंट उसने दे दिया बहुत अच्छी तरह से अपने को। तो ये सब मजा आता है जब मैं 1 आवर की जो कैंडल होती है ना वो स्टडी करता हूँ, तो काफी बार इतने इतने अच्छे अच्छे लेवल काफी सारे स्टॉक में मिल जाते हैं ना, कि प्रॉफिट करने का मजा आता है। देखो जैसे कि मैंने यहाँ पे बताया डीमार्ट, रिलायंस, इंडसइंड बैंक, तो आप क्या कर सकते हो, ऐसे जो अच्छे अच्छे स्टॉक है उसका एक लिस्ट बनाओ, ठीक है, उसको 1 आवर के बेस पे स्टडी करते रहो, तो मेजर जो ब्रेकआउट होगा ऊपर की साइड नीचे की साइड जो सपोर्ट रेजिस्टेंस आएगा इंटरिम लेवल पे उसका पता आएगा, और उसको ही आप ट्रेड करो, चाहे इंट्राडे में करो, केस में करो, फ्यूचर में करो, ऑप्शन में करो, तो कितना आपको अलग अलग लेवल मिल सकते हैं अच्छा ट्रेड करने से। इसके क्या होगा कि प्रोबेबिलिटी होगी, जो प्रोबेबिलिटी वो आपके फेवर में रहेगी ज्यादा, आपका प्रॉफिट करने का चांस ये सब चीजें बढ़ा देगी, क्योंकि 1 आवर के कैंडल एक मेजर है, ठीक है। तो इतना मैंने आपको सिखा दिया, अब आपको क्या करना है, मैं जो निफ्टी और बैंक निफ्टी की हर रोज एक सीरीज पोस्ट करता हूँ, एक वीडियो रात को, वो फॉलो करो। देखो इसमें प्राइस एक्शन वगैरह में क्या होता है, कोई एक फॉर्मूला नहीं होता कि इससे हम सक्सेसफुल ट्रेडर बन जाए। जजमेंट कॉल कोई चीज़ में अगर आपको सिखा रहा हूँ तो आपको शायद समझ में नहीं आएगी, कुछ चीज़ आ जाएगी, ये एक आर्ट है। आपको पेशेंस चाहिए, आपको डीप डिसिप्लिन चाहिए, डिटर्मिनेशन चाहिए, तब जाके धीरे 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 आप एक जजमेंट कॉल लेना शुरू करोगे कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। देखो यहाँ पे मैंने निफ्टी का चार्ट ओपन किया हुआ है, ये देख लो, ये वाला सीधा यहाँ से नीचे गया, तो मुझे ये पता चल जाता है कि भाई मार्केट में क्या हो रहा है, मेरी ट्रेड कहाँ पे फेवर में, मतलब मैं रेंडमली बाय सेल में ना घुसूं, थोड़ी तो ऑड्स मेरे फेवर में हो तो मुझे मजा आ जाएगा ट्रेड करने में, ठीक है, समझ रहे हो। यहीं पे मैं वीडियो एंड करता हूँ। आई होप मैंने ये वीडियो बहुत ही बेसिक रखा है, कुछ एडवांस मैंने यहाँ पे नहीं डाला है, क्योंकि काफी सारे लोग नए होते हैं वो कन्फ्यूज हो जाता है। फिर भी कोई क्वेश्चन हो तो ईमेल या व्हाट्सअप कर देना, नो नीड टू वरी अबाउट इट। पैसा तो बनेगा कि साइट विजिट कर लेना, एंड्रॉइड ऐप डाउनलोड कर लेना, काफी सारे कोर्सेज मैंने 1.5 लाख रुपए के फ्री रखे हैं, वो यूज कर सकते हो। बाद में स्ट्रेटेजिक स्पेसिफिक कोर्सेज भी रखे हैं वेबसाइट में वगैरह पे, एंड्रॉइड ऐप में, वो भी आप यूज कर सकते हो। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, इनपुट्स अपने देना, सजेशन देना, क्वेरी पूछना, मोस्ट वेलकम। मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए आई विश यू लॉट्स ऑफ लव एंड हैप्पीनेस।